हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस टाइप के लिरिक्स वीडियो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ट्रेंड चल रहे हैं। अलाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं, जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। प्लस पर टैप करना है, यहाँ से वीडियो रेशो सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है। वीडियो फॉर्मेट से सॉन्ग यूज़ करने के लिए प्लस पर टैप करना है। मीडिया में टैप करके यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो लेयर सेलेक्ट करके थ्री डॉट पे टैप करना है। यहाँ से ऑडियो पे टैप करके वीडियो को डिलीट कर देना है। प्लस पे टैप करके मीडिया में टैप करना है। यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट करना है जिस पर वीडियो एडिट करना चाहते हैं। फ़ोटो लेयर सेलेक्ट करके लास्ट में आना है, इस पे टैप करना है। लेयर सेलेक्ट करके थ्री डॉट पे टैप करना है। यहाँ से फिल स्क्रीन कर देना है। फ़ोटो लेयर सेलेक्ट करके मुंह पर टैप करना है। यहाँ से इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैक आना है, सबसे पहले फ़ोटो में इफ़ेक्ट ऐड करने हैं। फ़ोटो लेयर सेलेक्ट करना है, इफ़ेक्ट पर टैप करके ऐड इफ़ेक्ट पर टैप करना है। यहाँ से कलर पर टैप करना है। नीचे की साइड आके आपको यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। यहाँ से +20 रखना है, इसे सेलेक्ट करके 1.20 कर देना है। बैक आना है, एक और इफेक्ट ऐड करना है। ब्लर सेलेक्ट करके यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है, 1.0 रखना है। बैक आना है, एक और लास्ट इफेक्ट ऐड करना है। नीचे की साइड आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर टैप करके यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है, एंगल को 1.0 रखना है। इसे सेलेक्ट करके 0.25 रखना है। मैग्नीट्यूड सेलेक्ट करके 20 करना है। बैक आना है, प्लस पर टैप करके मीडिया में टैप करना है। यहाँ से PNG इमोजी सेलेक्ट करना है। क्राउन PNG इमोजी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। लेयर सेलेक्ट करना है, लास्ट में आके इस पर टैप करना है। लेयर सेलेक्ट करना है, मूव से इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, यहाँ भी इसे रखना चाहते हैं। यहाँ से इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैक आना है, लिरिक्स लिखने के लिए आपको यहाँ से टेक्स्ट पर टैप करना है। यहाँ पे लिरिक्स टाइप कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिरिक्स टाइप करने हैं। यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करना है, इस पर टैप करके सेंटर में कर देना है। रोबोट रेगुलर पर टैप करना है, इस पर टैप करके यहाँ पे सर्च करना है एंटन रेगुलर। ये फॉन्ट आपको अलाइट मोशन में मिल जाएगा, सेलेक्ट करना है, इस पर टैप करना है। यहाँ से इसके साइज को बढ़ा के टिक कर देना है। लेयर सेलेक्ट करके मूव पर टैप करना है, यहाँ से इसकी पोजीशन सेट कर देना है। बैक आना है, लिरिक्स में इफेक्ट ऐड करने हैं। लेयर सेलेक्ट करना है, इस पर टैप करके ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। स्क्रॉल डाउन करना है, टेक्स्ट पर टैप करके यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। रेंज सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको एंड का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको सेलेक्ट करके रखना है। स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में प्लस देना है, स्टार्टिंग से थोड़ा आगे प्लस देना है। एंड में आना है, एंड में प्लस देना है, एंड से थोड़ा पहले प्लस देना है। स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में सेटिंग एडजस्ट करना है, स्टार्टिंग में यहाँ से थोड़ा कम कर देना है। इस पर टैप करना है, यहाँ से इसे 0 रख के टिक कर देना है। आगे की साइट आना है, इस पर टैप करके यहाँ से इसे 0 रखना है। एंड में आके एंड में थोड़ा कम कर देना है। स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे की साइट आना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर टैप करना है। अगेन नीचे की साइट आना है, लास्ट में आपको यहाँ पे अल्फा का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर टैप करके -1 रखना है।
सबसे लास्ट में आना, यहाँ पे आपको रैंडम ऑर्डर ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर टैप करके इनेबल कर देना है, एरो पे टैप करना है, इस पर टैप करके स्टार्टिंग में प्लस देना है, एंड में आना है, एंड में प्लस देना है, एंड में 0.22 रखना है। बैक आना है, एक और इफेक्ट ऐड करना है, कलर एंड लाइट पे टैप करके नीचे की साइड आना है, यहाँ से लॉन्ग शैडो इफेक्ट सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, साइज सेलेक्ट करके रखना है, इस पर टैप करना है, 0.010 कर देना है। नीचे की साइड आना है, अल्फा सेलेक्ट करके 40 कर देना है। बैक आना है, एक और लास्ट इफेक्ट ऐड करना है, नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन करना है, इस पर टैप करके यहाँ से फेड इन आउट इफेक्ट सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, इन सेलेक्ट करके यहाँ से इसे थोड़ा कम कर देना है, 0.10 रखना है, इस पर टैप करके 0.30 कर देना है। बैक आना है, लिरिक्स ड्यूरेशन कम ज़्यादा करने के लिए लेयर सेलेक्ट करना है, टाइमर से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं लिरिक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लिरिक्स लिखने के लिए लेयर सेलेक्ट करना है, प्लस पर टैप करके यहाँ से डुप्लीकेट पर टैप करना है, कॉपी लेयर पर टैप करके होल्ड करना है, आगे की साइड आना है, कॉपी लेयर सेलेक्ट करना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करके यहाँ पे सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, टिक कर देना है, मार्क करना है, लेयर पर टैप करके टाइमर से इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर देना है। वीडियो सेव करने के लिए एरो पर टैप करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है।